राइट राइटर की बुक है उसमें न्यू एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये वाला हमको करना है अरेंज द लेटर्स इन सीक्वेंस, ये आपको आगे पीछे उल्टा उल्टे लिख के दिए हैं, आपको करेक्ट करके सीधे बॉक्स में लिखना है। आपको याद है हमने ऐसा कैपिटल लेटर्स में भी करा था, है ना, पहले कैपिटल लेटर्स थे उसमें आगे पीछे लिखा था, उससे हमने बोल बोल कर सीधे से लिखा था, उसी तरह इसमें भी हमें उसी तरह से करना है। ओके, तो उससे पहले हम एबीसीडी बोलेंगे और फोनिक समझो, ठीक है। चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम फोन समझेंगे ए ब क ड ए ब क ड ए फ ग ए फ ग ह इ ज ह इ ज क ल म क ल म न अ प। हमने पी तक लिखा था, हमने पी तक ही आपको फोनिक्स समझेंगे, अब उसके बाद जब पहले सीखेंगे उसी तरह उसके साउंड बोल देंगे। अब हम इसमें ये वाली पेज की एक्सरसाइज करेंगे, पेज नंबर है 57। इसमें लेटर जो दिए हैं उसे हमें सेव करके लिखना है। पहले बॉक्स में दिए ए जे ए और आई, तो जब हम एबीसीडी बोलते हैं तो पहले ए आता है, जे आता है, उसके बाद आई आता है। क्या आता है पहले तो बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पहले क्या आता है आई जे के, तो उसी तरह से हम लिखेंगे। तो पहले क्या आता है आई, तो ये बॉक्स में हम क्या लिखेंगे आई, कहाँ लिखना है टू लाइन में। तो आपको ये सर्कल कलर किया उसके साइड में स्पेस है तो वहां पे आपको लिखना है। सो ये हम राइट लिया आई कन्वर्ट टू सर्कल आई जे, बिना जे दिया है तो आपको क्या लिखना है जे एंड देन के आई जे के। ओके, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट इज बी ए सी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आता है पहले बी आता है कि नहीं, पहले क्या आता है ए, यहाँ पे ए दिया, हम पहले क्या लिखेंगे ए सॉरी ए के बाद क्या आएगा बी एंड देन सी, ये हो गया सी, ए बी सी सीक्वेंस हो गया। तो देखो सेकंड ये बी ए सी, तो आपको क्या लिखना है ए बी सी, यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो फिर से ये क्या है के जे आई, तो आपको ए बी सी डी बोलना है। ए बी सी डी में पहले क्या आएगा आई जे के, तो आपको सीधा उसको लाइन में लिखना है। अब यहाँ पे दिए हैं बी ए सी, तो आपको उसे लाइन में लिखना है, क्या लिखेंगे ए बी सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन ओ एम, तो आप हमें एबीसीडी बोलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा अगर आपको एबीसीडी पटा से आती है तो आप क्या बोलोगे, पहले क्या आएगा एम आएगा एन आएगा कि ओ आएगा, ओ आएगा नहीं एन आएगा नहीं, तो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, क्या है पहले एल के बाद एम, फिर क्या आएगा एन ओ, क्या आएगा एम एन ओ। तो आपके पास यहाँ पे स्पेस दी है तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले एम, टर्म टू लाइन में है देन टू लाइन में एन एंड यहाँ पर टू लाइन में ओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन
देखना है. नाउ नेक्स्ट लेटर इज एफ ई जी. यहां पे देखो एफ ई जी, तो पहले ए बी सी डी बोलेंगे तो एफ आएगा, के ई आएगा, के जी आएगा, तो हम बोलेंगे ए. इस थ्री में से कौन सा लेटर आएगा वो देखेंगे. ठीक है, वहां पे स्टॉप हो गया. ए बी सी डी ई, तो पहले क्या आया ई, तो हम पहले क्या लिखेंगे ई. फिर क्या आया ए बी सी डी ई एफ, तो ई के बाद क्या आता है एफ, और उसके बाद क्या आएगा जी. समझ में आ गया सभी को, कैसे करेंगे ई एफ जी, सिंपल. नाउ नेक्स्ट इज ई, तो आप कहां लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे ई एफ जी. नाउ लास्ट इज ई डी एफ, कौन सा लेटर है ई डी एफ, तो पहले ई आएगा, डी आएगा, के एफ आएगा, आपको पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे ए बी सी डी बोलेंगे, तो बोलेंगे ए बी सी डी, पहले क्या आएगा डी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा ई, और उसके बाद एफ, हो गया. ठीक है, तो आप ये लास्ट लाइन में यहाँ पर डी ई एफ लिखेंगे. तो आपने एक बार आपको समझ में आ गया क्या करना है, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये वाला पेज ब्लैक बोर्ड में से देख कर लिखना है. देखो मैं फिर से समझा दो, यहाँ पे आपको उल्टे उल्टे लेटर्स दिए हैं, आगे पीछे करके दिया है, आपको उसको लाइन में लिखना है. तो पहले दिया है के जे और आई, जब आप एबीसीडी बोलेंगे तो सबसे पहले आएगा आई, उसके बाद आएगा जे, और उसके बाद आएगा के. उसी तरह नेक्स्ट लेटर है बी ए सी. नाउ अगेन वी विल से ए बी सी डी, वी स्टार्ट फ्रॉम ए, सो वी विल राइट हियर ए बी एंड सी, सो दीस आर करेक्ट सीरीज एंड दीस आर रॉन्ग सीरीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एन ओ, सॉरी एन ओ एम, सो वी विल से अगेन ए बी सी डी, वी विल स्टार्ट विद एफ एन ओ. ओके, अगेन एफ E G, so we will say again if you see it and we will start with E F and G. Okay, now last is E D F, so we have to come start again A B C D, so in that it comes first D D E F. Okay, whenever you have to do this type of exercise, we have to say A B C D and then look at the letters, which are the letters, and stop on the letter. जैसे A यहाँ पे K J और I, तो हमें ये तीन letters में से कौन सा letter first आता है, वहाँ पे stop होना. ठीक है, A B C D E F G H I, तो सबसे पहले क्या आ गया I, फिर उसके बाद आएगा J K. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और letter है तो आपको A B C D बोलते जाना है और उसको सीक्वेंस में लिखना है. समझ में आ गया क्या करना है, ये जो उल्टे पुल्टे लेटर्स है इसको आपको सही सीक्वेंस में करके लिखना है. ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, लुक एट द वीडियोस एंड ट्राई टू स्टडी एट योर होम. एबीसीडी लिखकर कल प्रैक्टिस करनी है, फोनिक साउंड्स भी बोलने हैं और ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है. आप जितनी राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको लिखना भी आएगा. आप स्कूल आते तो आप लिखते स्कूल में भी और घर में भी लिखते, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होती, लेकिन अभी आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो देखकर उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.